नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो PTT 2021 की जिन जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर आगे भी इसी तरीके से जो आपके लिए वीडियो है वो डाली जाएंगी। तो दोस्तों अभी से आप चैनल के साथ जुड़े, चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कितनी तारीख तक चलेगी, कितनी तारीख इसकी लास्ट डेट है। और PTT के अंदर भी आपको पता है कि 2 साल की BEd वालों के लिए होती है, और इसमें 4 ईयर से जो BEd है, BA BEd BSc BEd उनके वालों के लिए होती है। तो कौन से वाले की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई है, जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि PTT 2021 के विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है, राजस्थान PTT 4 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात BA BEd या फिर BSc BEd हेतु जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फ़िलहाल शुरू की गई है। PTT के अंदर जो 2 साल वाली जो BEd होती है उनकी अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, 1 या 2 दिन के अंदर उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल BSc BEd या BA BEd जो भी करना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि इनकी लास्ट डेट कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं PTT 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, जिसमें BA BEd और BSc BEd वालों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फ़िलहाल शुरू हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप 5,000 रुपये जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करा सकते हैं। और जो आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, कॉलेज जो चुनोगे उसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर। कॉलेज चुनने की जो डेट है लास्ट डेट वो 17 अक्टूबर है, और फीस जमा कराने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की जो डेट है वो 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिली या फिर नहीं मिली। तो फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जिन जिन विद्यार्थी को कॉलेज मिल जाएगा और उसकी सूचना आपको मिलेगी 20 अक्टूबर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो बाकी के जो 22,000 रुपये है वो आपको जमा कराने होंगे, उसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। तो दोस्तों आप अपनी जो फीस है वो इकट्ठा कर ले पहले से ही, 5,000 रुपये तो आपके काउंसलिंग में लगेंगे, और बाकी के जो 22,000 रुपये है वो जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपको 22,000 रुपये जमा कराने होंगे, जिसकी लास्ट डेट भी 25,000 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तारीख तक आप 22,000 रुपये जमा करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग जब कॉलेज में आप कराओगे अर्थात अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जमा कराओगे उसकी लास्ट डेट है 26 तारीख। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता दी गई है। और यदि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया है, यदि आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। इनके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करवाते हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों अभी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।